The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Air pollution. क्या होता है air pollution? You think you know air pollution but you don't. Air pollution एक मिक्सचर है, चूड़ा है, बन रहा है नेचुरल और मैन मेड सब्सटेंसेस जो एयर के अंदर आ जाते हैं, जो आप लिटरली आप ब्रीद इन कर रहे हो, आपके फेफड़ों में, लंग्स में जा रहे हैं, आपके खून में जा रहा है वो पोल्यूटेड चीज़ें. वो आपके दो तरीके के पोल्यूशन बोले जाते हैं, इंडोर पोल्यूशन, आउटडोर पोल्यूशन. राइट, आउटडोर एयर पोल्यूशन मतलब आप घर से बाहर जितनी भी चीज़ें आपके आ रही है, फाइन पार्टिकल्स जो कुछ भी चीज़ जलती है, कोल या पेट्रोलियम जो जलता है, आप गाड़ी में जलाते हो उससे, फॉसिल फ्यूल से, बर्निंग से जो निकलता है, या ग्राउंड लेवल ओजोन जो होता है. ओजोन एक रिएक्टिव गैस है, ऑक्सीजन से बनती है, जो कि अर्बन स्मॉग जो जो शहरों में सबसे ज़्यादा होता है वो ओजोन बनता है. ओजोन बेसिकली इज द स्मॉग, स्मोक प्लस फॉग. स्मॉग करंटली जो सबसे वन ऑफ द यू नो लीस्ट वेल कंट्रोल, बहुत कम से कम कंट्रोल्ड पोल्यूटेंट है पूरी दुनिया में, और सबसे डेंजरस है, और वो इनविजिबल होता है कई बार ओजोन. सो ओजोन एक डेंजरस चीज़ है आउटडोर में. पार्टिकुलेट मैटर एक चीज़ है, पार्टिकुलेट पोल्यूशन, जो कि बहुत ही टाइनी पार्टिकल है, बहुत मिक्सचर ऑफ वेरी टाइनी सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स, जो कि लिटरली एयर में होती हैं, जो हम ब्रीद करते हैं, जो इतने डेंजरस हैं कि वो आपकी ज़िंदगी कम कर सकते हैं, आपकी लाइफ शॉर्टन कर सकते हैं, क्योंकि वो लंग के अंदर लिटरली बहुत अंदर तक जा सकते हैं, वहाँ से खून में भी जा सकते हैं, इतने छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स हैं, माइनो पार्टिकुलेट मैटर. इसीलिए आप देखते होगे ना पीएम लिख के आता है कई बार एयर पोल्यूशन में, PM25, PM10, 2.5 ऐसी चीज़ें. सो दैट इज थिंग, वॉट इज दिस पार्टिकुलेट मैटर, उसके बारे में एक डिफरेंट वीडियो बनेगा स्पेशली इस चीज़ पे. फिर होती है बहुत सारी गैसेस, नोटोरियस गैसेस, राइट, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, केमिकल वेपर्स एक्सेट्रा. नाइट्रोजन ऑक्साइड एक गैस है जो निकलती है जब भी फ्यूल्स बर्न होता है. अगर आप किसी हाईवे के आसपास रह रहे हो, बिजी हाईवे, तो यू ना आप बहुत सारी नाइट्रोजन ऑक्साइड ब्रीदिंग कर लोगे. सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, जो सल्फर कंटेनिंग फ्यूल जैसे कोल, तार, ऑयल या डीजल बर्न होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड आ जाता है. अगर आप कोई पावर प्लांट या के पास रह रहे हो तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा. राइट, कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो भी बर्निंग अगेन फ्यूल पेट्रोल बर्न करने से होता है. अगेन अगर आप इसके रोडवेज के आसपास ज़्यादा रह रहे हो, ट्रैफिक के पास में घूम रहे हो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा आएगा. केरोसिन के बर्निंग से कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत डेंजरस गैस है, बहुत कॉमन है, इस पर भी एक डिफरेंट वीडियो आएगा. फिर टॉक्सिक एयर पोल्यूटेंट्स बहुत सारे होते हैं, नीली 200 से ज़्यादा पोल्यूटेंट्स होते हैं जो एयर में आते हैं. वो कई सारी बीमारियां, लंग की, कैंसर, बहुत सारी चीज़ें करती है. अभी तक तो स्मोकिंग, सिगरेट, टबैको स्मोक की बात ही नहीं हुई. टबैको स्मोक भी है, राइट, टबैको स्मोक भी एक है जो पोल्यूशन करता है आउटडोर में. इसके अलावा इंडोर पोल्यूटेंट्स भी होते हैं जो कि एक्सपोज करते हैं पार्टिकुलेट मैटर्स, कार्बन मोनोऑक्साइड से, और पोल्यूटेंट्स जैसे फॉर एग्जांपल रेडॉन, आपके हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल्स हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, एस्बेस्टॉस, फॉर्मल्डिहाइड, लेड, जब भी कहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ ज़्यादा होता है. एलर्जेंस होते हैं जो कॉकरोच या माउस ड्रॉपिंग्स होती हैं. टोबैको स्मोक इंडोर आता है, मोल्ड्स, पोलन ग्रेन्स इंडोर आते हैं, राइट. सो बहुत सारे आउटडोर पोल्यूशन भी कई बार इंडोर आ जाते हैं अगर आपके सारा कुछ विंडोज डोर सारे ओपन है तो, राइट. और इनके हेल्थ हैजार्ड्स हैं, बहुत गहरे हैजार्ड्स हैं. क्या क्या हो सकता है, ऐसी डर्टी एयर ऐसी तरीके की अगर आपने अंदर ले ली तो छोटे से मेजर प्रॉब्लम्स से लेके बड़े बड़े जानलेवा बीमारी, अस्थमा का अटैक आ सकता है बहुत ज़ोरदार, राइट. आप एकदम से बहुत, सबसे कॉमन चीज़ है अस्थमा. पोल्यूशन इंडोर आउटडोर में अस्थमा वर्सन कर देता है. जिन बच्चों को, बड़ों को अस्थमा है, उनकी अस्थमा का अटैक, सीवियर अस्थमा का अटैक आ सकता है. और इसके ट्रिगर्स बहुत जल्दी आने शुरू हो सकते हैं और हर बार ट्रिगर बढ़ता जा सकता है. अस्थमा इज़ डेंजरस.
और अस्थमा पैदा भी हो सकता है इस तरीके के प्रॉब्लम से। लंग कैंसर हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोक अंदर ले गए, किसी भी तरीके की सेकेंड हैंड स्मोक हो या सिर्फ इस तरीके का पोल्यूटेड एयर हो या एक्चुअल सिगरेट स्मोक हो, लंग कैंसर के चांसेस हाई हो जाते हैं। खांसी, थ्रोट इन्फेक्शन, चेस्ट पेन, राइट, लंग इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, जो इसकी वजह से आपको क्रोनिक खांसी हो सकती है, गले में खराश हो सकती है पार्टिकुलेट मैटर से, चेस्ट पेन हो सकता है, ईयर में इन्फेक्शन हो, जो बच्चे सेकेंड हैंड स्मोक ब्रीदिंग कर ले, एयर पोल्यूशन में ब्रीदिंग कर ले, उनको ज़्यादा ईयर इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, बहुत कॉमन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो सकती है, जो ज़्यादा कॉमन, अगर उसकी कोई स्मेल नहीं आती भाई साहब, बहुत डेंजरस, इंजरी से लेकर डेथ तक हो सकती है। पिछले 30-40 सालों में इतना रिसर्च हुआ है और इतना पता चला है कि ये हेल्थ इफेक्ट इतने ज़्यादा है इनके एयर पोल्यूशन एक्सपोजर के, कि रेस्पिरेटरी डिजीजेज, हर तरीके, कार्डियोवेस्कुलर, हार्ट की डिजीजेज, प्रेगनेंसी में आउटकम, प्रेगनेंसी में प्री टर्म हो जाना, बच्चे सही से पैदा नहीं होना, ये भी इफेक्ट आ जाता है इस तरीके के पोल्यूशन का। इवन डेथ इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, सो वेरी वेरी डिफरेंट, राइट। इवन क्लाइमेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसके वजह से क्लाइमेट टेम्परेचर्स बढ़ रहा है, उसके वजह से भी हार्ट डिजीज, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज और इनके इफेक्ट, गर्म हवा, गर्म इस तरीके की इफेक्ट का एलर्जिक टेंडेंसी भी बढ़ जाती है। सो ऑब्वियसली ओजोन लेवल बढ़ने का भी एक कंसर्न है, ओजोन जो शरीर, जो ग्राउंड लेवल ओजोन है उसके लिए। सो इन्हीं सब को देखने के लिए एक एयर क्वालिटी इंडेक्स नाम की चीज़ बनती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसके ऊपर एक डिफरेंट डिटेल वीडियो आएगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, कैसे देखा जाता है, कितना नॉर्मल होता है, कितना ये होता है, गुड बैड क्या कैसा रहता है और आप कहाँ देख सकते हैं अल्टीमेटली। लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है वो बताता है कि आपके आसपास 100 से लेके 500 तक कितनी, 10 से लेके 500 तक कितनी क्वालिटी है एयर की, और कितनी हैवीली ख़राब है एयर या नहीं। इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कई बार एयर कि वो लिटरली हजार्डस टॉक्सिक एयर, पॉइजनस गैस चेंबर जैसी हालत हो सकती है, जो कि कुछ दिवाली के मौसम में, दिवाली और ठंड के मौसम में दिल्ली और नॉर्थ इंडिया साइड के हालत हो जाती है, बिल्कुल ख़राब हो जाती है हालत वैसी। सो एयर AQI का वीडियो ज़रूर देखना है आपने। उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, हाउ कैन यू रिड्यूस योर रिस्क ऑफ पोल्यूशन, बहुत सिंपल सी चीज़ है, AQI कम है ज़्यादा है कैसे करोगे, राइट। इंडोर एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए आप मेक श्योर करिए कि आपकी बिल्डिंग जो है वेंटिलेटेड हो और रेगुलरली क्लीन्ड हो, रेगुलरली बिल्डिंग के डस्ट मोल्ड्स क्लीन हो अच्छे से, और अगर कोई पोल्यूटेंट हैं कोई किसी भी प्रकार के तो उनको हटाइए, मोल्ड्स हैं, कोई कोई AC है उसको बेसिक हर साल उसका क्लीनिंग, उसकी वो करवाइए ज़रूर क्लीनिंग अंदर से, वहाँ पर भी मोल्ड्स लग जाते हैं। आउटडोर पोल्यूशन के लिए आपको ऑब्वियसली अपने एरिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करना है और जब हो सके हैवी ट्रैफिक वाले एरिया को अवॉइड करना है, सेकेंड हैंड टोमैको स्मोक को अवॉइड करना और खुद सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू से दूर रहना है। इसके लिए थोड़ा बहुत डेली का एयर क्वालिटी फोरकास्ट देख सकते हैं, कलर कोडेड फोरकास्ट होता है वो आपको AQI के वीडियो में मिल जाएगा। बाहर एक्सरसाइजेस करना, आउटडोर एक्सरसाइजेस मत करो अगर पोल्यूशन लेवल ज़्यादा है तो, जब बैड ख़राब है तो, जब एयर ख़राब है तो बाहर निकल के वॉकिंग और वो सब, शॉपिंग मॉल्स में जाके, इंडोर में ऐसी जगहों पे जाके आप एक्सरसाइजेस कर सकते हो, या जिम में जाके एक्सरसाइजेस कर सकते हो। आपकी शॉपिंग भी करनी है तो वह बाहर अंदर इंडोर एरिया में करिए, अगर बाहर की एयर ज़्यादा ख़राब है तो, बाहर की एयर ठीक है तो फिर आप बाहर जाके ले सकते हो। बेसिकली स्पेंड लेस टाइम, अवॉइड एक्सरसाइजिंग इन हाई ट्रैफिक एरियाज एंड अदर थिंग्स, राइट। और घर में मिनिमम एनर्जी यूज़ करिए, राइट, इलेक्ट्रिसिटी हो या दूसरे कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी हो, जितनी कम एनर्जी आप यूज़ करेंगे उतना ही मान के चलिए कि आगे और पोल्यूशन कम होगा, राइट। सो यू कैन इम्प्रूव एयर क्वालिटी बाय यू नो, घर में जो एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स आते हैं उनको आप लगा सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ें हैं वो भी। बाकी छोटी छोटी चीज़ें, आप इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA की तरफ से कई सारे टिप्स आते हैं कि अपने कार का एग्जॉस्ट लेवल कम रखिए, स्कूल बसेस है वो खड़ी ना रहें ज़्यादा देर, तो वो छोटी छोटी चीज़ें सबको करनी चाहिए। अगर आप हो सके तो थोड़े आसपास ही जाना है तो बाइक
साइकिल चला लो, बाइक चला लो, कार पूल कर लो, कंबाइंड ट्रिप्स कर लो, बसेस ले लो, सबवेज ले लो, राइट, मेट्रोज ले लो, रेलवे सिस्टम्स ले लो, ताकि आप एक एक आदमी एक एक कार में ना घूमे, ट्रैफिक थोड़ा कम हो, एमिशंस कम हो। आपने बेंजीन वाला हमारा वीडियो देखा है, कितना बेंजीन बनता है इन इस प्रॉब्लम से। बेंजीन इज ऑल्सो वन ऑफ द पोल्यूटेंट्स, वेरी वेरी डेंजरस पोल्यूटेंट्स। सो प्लीज़ प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड, यू नो, अकेले अकेले रोज कार में जाना, कोशिश करो उसको पूल करने की। और भाई साहब, किसी भी चीज़ को जलाओ मत, चाहे कचरा हो, चाहे लकड़ हो, चाहे कुछ भी हो, फायरवुड हो, ट्रैश हो, बहुत मेजर सोर्स है आपका पार्टिकुलेट पोल्यूशन, जो एक्चुअली आपको बहुत डैमेज करते हैं। उनके लिए फार्मर्स को भी थोड़ा रिक्वेस्ट है, समझाओ, कुछ अल्टरनेटिव मेथड्स ढूंढिए कि खेतों में आग ना लगाएं। अब वो ज़माना नहीं रह गया कि हम वो सब अफोर्ड कर सकेंगे, राइट। हालत सही नहीं है, बच्चों के लिए बारे में सोचो आगे अपने, राइट। सेकेंड हैंड स्मोक दूसरी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको दूर रहनी। किसी भी प्रकार का गैसोलीन वैसोलीन ना जलाएं, और कोई भी इंजन है जलता हुआ ना छोड़ दें। कोई भी स्मोकिंग करता है उसको रोकें। कोई भी पब्लिक स्पेस में टोबैको बिल्कुल फ्री होना चाहिए, और इन्वॉल्व होना ज़रूरी है आपको। ये एयर पोल्यूशन है, इसमें हर एक आदमी के लिए एयर है भाई, मेरी खुद की, यू हैव अ राइट टू ब्रीद। अगर आप अपने राइट का इस्तेमाल नहीं करोगे, आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठाओगे, तो कौन उठाएगा? सो वॉट यू नीड टू डू इज़ टेल एवरीबडी टू डू अ लिटिल लिटिल थिंग। सब थोड़ा थोड़ा करेंगे, सब एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा, कोई जला रहा है उसको रोको, कोई कचरा जला रहा है उसको रोको। भाई छोटे अनएजुकेटेड लोग जिनको नहीं पता होता, उनको बता सकते हो, उनको समझा सकते हो, उनको डांट सकते हो, उनको बता सकते हो ऐसा नहीं करना, तभी तो कुछ होगा, राइट। सो शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। वन थिंग दिस यू कैन डू, एटलीस्ट लाइक दिस वीडियो सो दैट लोग इसको देखें और यूट्यूब इसको रिकमेंड करे। लाइक नहीं करोगे तो वो रिकमेंड भी नहीं करते। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू वॉन्ट मी टू कवर मोर थिंग्स इन दिस एयर पोल्यूशन थिंग, तो मुझे बताइए, मैं फिर जल्दी जल्दी इसके ऊपर वीडियोज़ बना के आपको भेजूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।